नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने आपको सुनाया था कि नासिक पुलिस ने हनुमान चालीसा और भजन बिना परमिशन के बजाने पर रोक लगा दी है, लेकिन अब राज ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार के तोते उड़ गए हैं। राज ठाकरे के हर रोज नए नए ऐलान से उद्धव ठाकरे परेशान हो चुके हैं और संजय राउत भी बयान देकर बुरे फंस चुके हैं। राज ठाकरे को भाजपा का भोपू और महाराष्ट्र का ओवैसी बोलना संजय राउत को भारी पड़ चुका है। मनसे के कार्यकर्ता संजय राउत को उन्हीं की भाषा में समझा चुके हैं, इसीलिए फिलहाल कोई भी बयान देने से पहले संजय राउत सोच समझ रहे हैं या बिना नाम लिए ही बयान दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में खौफ का माहौल है और इसी खौफ के माहौल के बीच मनसे ने 3 मई यानी कि ईद के दिन महाआरती का ऐलान कर दिया है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है। पार्टी ने मंगलवार को बताया है कि 3 मई को पूरे राज्य में कार्यकर्ता लाउड स्पीकर पर महाआरती करेंगे। इससे पहले पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग की थी। इधर राज्य सरकार भी धार्मिक कामों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। एनआई से बात करते हुए मनसे के नेता नितिन सरदेसाई ने बताया है कि महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता 3 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर राज्य भर के अपने स्थानीय मंदिरों में महाआरती करेंगे। ये महाआरती लाउड स्पीकर से होगी। अब आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक पुलिस के कमिश्नर दीपक पांडे ने बताया था कि अजान से पहले और अजान के 15 मिनट बाद कोई भी भजन नहीं बजा सकता। इतना ही नहीं, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन बजाने की इजाज़त नहीं होगी। साथ ही 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा और भजन बजाने पर पुलिस से आदेश लेना होगा। वो कहेंगे तभी बजेगा, नहीं तो नहीं बजा सकते। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:30 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार वहाँ समाप्त होते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं, और भारत के संविधान के अंतर्गत और जो समाज के प्रति जो जवाबदारी है, इसकी हम शपथ लेते हैं और इसके तहत सामाजिक सुव्यवस्था को बरकरार रखने के लिए जो है ये आदेश पारित किया गया है। अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक दूसरे के आमने सामने 3 मई को आएंगे। महाराष्ट्र में 3 मई को महाआरती होगी या महाभारत, ये तो उसी दिन पता चलेगा। लेकिन एक के बाद एक चैलेंज राज ठाकरे उद्धव सरकार को देते जा रहे हैं और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। मनसे प्रमुख की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र गृह विभाग ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर अनुमति के बाद ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस फैसले के बाद लोगों ने कहा कि उद्धव सरकार ने राज ठाकरे के डर के कारण ही ये फैसला लिया है। राज ठाकरे ने रविवार को कहा था कि देश में मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून और देश से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते, किसी ने भी प्रार्थना का विरोध नहीं किया है। हम चाहते हैं कि लाउड स्पीकर मस्जिदों के ऊपर जो लगाए गए हैं उसे उतारा जाए, वो पूरी तरीके से अवैध हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। अगर आप इसे लाउड स्पीकर पर ही करेंगे तो हम भी इसके लिए लाउड स्पीकर का ही इस्तेमाल करेंगे। मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है और उनके जो धर्म गुरु हैं उनको भी ये बात समझ जानी चाहिए। 3 मई के बाद देखता हूँ कि क्या करना है, इस प्रकार से उन्होंने धमकी भी दी थी। मनसे प्रमुख ने हिंदुओं को 3 मई तक का इंतजार करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने उन मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा चलाने के लिए कहा है जो लाउड स्पीकर नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरे भारत में हिंदुओं से केवल ये कहना चाहता हूँ कि 3 मई तक का इंतजार करें, उसके बाद ऐसी सभी मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा चलाएं जो लाउड स्पीकर नहीं हटा रहे हैं। राज ठाकरे ने 5 जून को अयोध्या जाने का भी ऐलान किया है, जिसके बाद संजय राउत ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजनीतिक मंशा से गए लोगों को प्रभु राम के दर्शन का फल नहीं मिलता, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। बहरहाल जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव वर्सेस राज ठाकरे और अजान वर्सेस हनुमान चालीसा और अब ईद वर्सेस महाआरती हो रही है, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।